these are given opening meetings. Indoor meeting was up for this. आपकी बात बच्चों को वार्ड पूरा खाली पड़ा भैया लड़की थी वो जो खत्म हुए यहाँ निकले आपके सरकार गंभीर होती उसी स्थिति पैदा ही कहा होती तेरी मराड़ी तेरी मराड़ी तेरी हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया जी। आज तक के इतिहास में ऐसी दुर्दशा हॉस्पिटल की मैंने नहीं देखी और जिस तरह के हालात है सारा हॉस्पिटल खाली पड़ा है, डॉक्टरों का अता पता नहीं है, दवाइयाँ हॉस्पिटल में है नहीं, खाली कोई व्यवस्था नाम से ये कह रहे हैं कोई आयुष के डॉक्टर लगाए जो कुछ जानते नहीं है, न उनके पास कोई किसी तरह की कोई दवाई है। मैं जितने भी वार्ड है सारे खाली पड़े हैं, आईसीयू खाली पड़ा है, ओपीडी खाली है, बच्चों के वार्डों के ताला लगा पड़ा है, सभी तक ऐसी दुर्दशा हमने कभी नहीं देखी। मैं अब सरकार क्यों इस धर्म हड़ताल पे पहुंची है, जब पहले हड़ताल हुई थी डॉक्टरों की डिमांड है, उनको एक दिन पहले ही मान लेनी थी, मानी नहीं, उसके बाद 6 दिन में कितनी जनता को मुश्किलें हुई, कितने लोग मरे, उसके बाद में इन्होंने वापस हड़ताल तोड़ी। हड़ताल तोड़ने के बाद भी इन्होंने जानबूझकर डॉक्टरों को ट्रांसफ़र की, उनको 16 CC के नोटिस दिए, उनकी जो इन्होंने मांगे मानने के लिए इन्होंने जो पहले घोषणा पत्र उन्होंने घोषणा की थी उन पर ये मुकरे और डॉक्टर मजबूरी उन पर हड़ताल पर गए हैं। तो आज ये जितनी हालात है गिरफ्तारी है डॉक्टरों की, कोई ड्यूटी में बैठे उनकी गिरफ्तारी कर दी, तो पूरे डॉक्टर भूमिगत हो गए हैं। ऐसी दुर्दशा हो रही है, बाड़मेर की मैं बात करूंगा, कम से कम बच्चे और जो महिला है पुरुष है इन हड़ताल के दिनों में कम से कम 40-50 की डेथ हुई है, आंकड़े कोई बताने को तैयार नहीं है। होंगे आप बच्चों का वार्ड में एक डॉक्टर नहीं तो बच्चों को संभालेगा कौन, महिला जो प्रसव होता है उसको कोई संभालने वाला नहीं, हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड है महिला या पुरुष वार्ड है, एक्सीडेंटल है, जो भी आ रहा है इसको कोई देखने वाला नहीं, और सरकार गहरी गूंगी बहरी की तरफ देख रही है, सिर्फ व्यवस्था या इनसे वार्ता करने तक की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। आज दिन तक की फेलियर और इस तरह का जनता के साथ जो हो रहा है, मेरे ख्याल से इतना शर्मनाक आज से पहले कभी ऐसी स्थिति देखी नहीं। आज जो इन्होंने चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका, इनको सरकार को सद्बुद्धि दे और जल्दी ही ये हड़ताल ख़त्म करे। और डॉक्टरों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मानवता के नाते आप तत्काल हड़ताल ख़त्म करें, अपने घर पे भी कोई आवे उन मरीज को देखें, और जनता को और कोई बेचारा गरीब है इलाज के कारण कोई नहीं मरे, आप भी मानवता रखें और इसमें सहयोग करें। सरकार की तो पता नहीं ये इच्छा शक्ति नहीं है, पर आप इसमें इंसानियत दिखावें ताकि लोग इसमें जनता को मुश्किल नहीं हो और उनको अपन रिलीफ दे सकें।